आज हम लोग लाहौर की बहुत ही मरूफ जगह है अल्फला थिएटर. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग लाहौर के खास तौर पे और बाहर से भी जो लाहौर आते हैं वो जानते होंगे के यहाँ पे इंटरटेनमेंट्स के प्रोग्राम होते हैं लेकिन आज बड़ी ही ख़ूबसूरती के साथ एक बहुत बड़ा जो है ईद मुलादिन नबी वसल्लम का प्रोग्राम अरेंज किया डॉक्टर जावेद साहब ने तो इसकी तफसीलात और इसकी जो आज कैफियत थी यहाँ पे इसका हम डॉक्टर साहब के से ही पूछेंगे अलग वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला मैंने तो अरेंज नहीं किया करवाने वाला करवाता है और ये बच्चे सारे जितने ये अल्लाह करीम ने इन्हें शिफा दी हुई है और आपने देखा होगा कि माशरे के हर तबके से हैं ठीक है अमीर गरीब पढ़े लिखे अनपढ़ सादा चलाक ठीक है जर्क बर्क भी और सादा भी तो इन सब ने मिल के ये महफ़िल सजाई थी और दीवानों की महफ़िल थी अब इसमें कायदा कानून तो मुझे नहीं पता मेरा सिर्फ यही डर था कि बहरहाल इस हालत में भी कोई गुस्ताखी और ख़िलाफ़ी शरीयत बात ना हो तो एक कोशिश थी सही अच्छा एक मुझे बात बड़ी खूबसूरत भी लगी कि जैसे अक्सर जो लोग डाइस पे खड़े होते हैं जो प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं उसको हम उर्दू में मेज़बान भी कहते हैं तो नॉर्मली जो बड़े लोग होते हैं उन्हें मेहमान खसूस के तौर पे एंड पे प्रोटोकॉल के साथ बुलाया जाता है तो मैंने देखा है आप तकरीबन प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आप मौजूद थे और आपने सारी जो मेज़बानी है ना वो खुद की है आज तो इसकी क्या कोई ख़ास बात थी आज क्या आपने जो मेज़बानी के जो थे सारे काम वो ख़ुद किए हैं आपने देखें इस कार्ड के ऊपर ही लिखा हुआ था कि एन ऑर्डनरी सर्वेंट इज़ इनवाइटिंग अदर हम्बल सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द मैन हिस्ट्री प्रॉफिट सल वम तो वी वी आई पी तो वो थे ना तो हम तो सारे खातेम थे तो खादमीन ने अपनी तौर पे एक महफिल सजाई क्योंकि ये मेरा दीन ईमान है कि मेरा अल्लाह और नबी जो हैं उनको मैं जब भी पुकारूं उन्हें मैं अपने सांसों अपने ख्यालों से भी ज़्यादा करीब पाता हूँ और उनकी रहमत के सबब हम सब चल रहे हैं ये एज़ मुस्लिम हमारा बिलीफ है लेकिन एज ए डॉक्टर भी मैंने ये देखा है तो मैं उन्हें एक डॉक्टर के तौर पे भी जानता हूँ वो मसीहा हैं इंसानियत के ठीक थी। है तो ये जितने एक लाख चौबीस हज़ार आए जिनमें हजरत ईसीम को भी मसीहा ही कहा जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये सारे के सारे जो थे इन्होंने मेनली तो प्यार किया और बे प्यार करते थे कोड़ियों को भी गले लगा लेते थे और ग़ुलामों को कनीज़ों को भी गले लगाते थे मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि कायनात में जो सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है वो बे और बेलौस प्यार है तो उसमें अगर काम करने का खिदमत का मौका मिल गया है तो मेरा तो ख्याल है मेरे लिए सादत है आपने इसको और एंगल से देखा है तो वो खास एक ही है नहीं जी जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा कि आपने इसको कंडक्ट किया और जगह अगर चूँकि जगह हॉल में नहीं थी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी और लोग ज़मीन पर बैठे थे तो आपने भी थोड़ी देर के लिए मैंने देखा जहाँ जगह मिली तो लोगों के साथ ही ज़मीन पर बैठ गए अच्छा एक बात डॉक्टर साहब मैंने आज और देखी है कि आपने माशाल्लाह इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर लिया आपके सारे जो आपके साथ लोग थे तो अगर आप चाहते तो कोई बहुत बड़ा मशहूर नात ख़ँ हो सकता है आपके कहने पे आ जाता या आपके किसी जो ठीक हुए हुए लोग हैं उनके कहने पे आ जाता लेकिन मैंने देखा है कि आपने आम से बच्चे कुछ ख़वा और इसको कैसे आपने सेलेक्ट किया मुझे ये पता है कि बहुत से जो है वो सिंगर नात ख़ँ आपके इशारे पर आ सकते थे तो क्यों आपने क्यों ये किया कि इन लोगों को यहाँ पे मौका दिया है? नहीं वो बहुत से नाथ खानों ने कहा कि हमने आना है मेरा ख्याल है अच्छा। कि शायद इतने बड़े फोरम पे वो आना भी चाहते सात आठ सौ के करीब ये लोग थे हॉल की कैपेसिटी पाँच सौ है तो ऊपर तक लोग वो बैठे हुए थे और उन्होंने शायद पहले देखा भी होगा कि लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे शैसे भी फेंकना शुरू कर देते हैं और सारा कुछ तो मेरे करीब शायद उन्हें ये अंदाज़ा था कि डॉक्टर साहब अपने ही गाने गाते रहते हैं कसीदा बुरदा शरीफ थे अपने बाबा जी मैं क्या कह सकता हूँ मैंने इन्वाइट किया था यानी एक किस्म का जिसको पता चला मैंने स्पेसिफिकली किसी को नहीं कहा मैं किसी ना वज़ीर के पास चल के गया ना गवर्नर के पास चल के गया ना किसी आ, किसी के पास भी नहीं गया उस कार्ड में सारी बात लिखी हुई थी ठीक है मैंने लिखा हुआ था वीवीआईपी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अब वो नाते पढ़ने वाले ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो मैंने कुछ इसको अरेंज नहीं किया हुआ था मुझे इन सारों ने कहा कि हमने ये ड्रामाटाइज करके अपने स्टोरी सुनानी है वो ज़रूर एक चीज़ थी उसके बाद नाथ खां मैंने शबादाह साहब को भी कहा था उन्होंने कहा हाँ हाँ काफ़ी उनके जानने वाले हैं मैं उन्हें कहूँगा वो आएंगे लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि वो सब कह रहे हैं जी कि साढ़ा यही दिहाड़ी का दिन होंगे ठीक है तो उतर डॉक्टर साहब के को पता नहीं चलता टाइम का तो साढ़िया बुकिंगा बहुत ज़्यादा नहीं इस तरह की बातें थी तो वो हर शख्स की अपनी मजबूरियाँ होती हैं मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बच्चे अभी तो बहुत से वो लोग हैं जिन्हें मैं माजरत कर ली है जो बार बार नीचे से मैसेज भेज रहे थे कि हमने भी नात पढ़नी है तो ये जो ख़ुद से दिल से पढ़ते हैं खुद जो भी पढ़ते हैं ठीक है उन्हें सुर ले ताल है नहीं है यही तो, तो बाबा जी बात कर रहे थे कि ये जज्बे की बात है वो जो उनसे जुड़ के पढ़ते हैं जो उनको सामने रख के पढ़ते हैं उनकी बात आपको लगती है आके ठीक है तो असल तो ज़िक्र नबी था ज़िक्र मुस्तफ़ा था ज़िक्र अलहि था मेरा तो ख्याल है कि शुरू से ले आखिर तक वही हुआ है ठीक है ज़रा तरन्नुम से नहीं हुआ होगा शायद ठीक है लेकिन गूंगे बैरों की भी तो आखिर कोई दुआ होती होगी अच्छा एक और आज एक बड़ी ख़ास बात ये हुई है कि ये बड़ा मशहूर थिएटर है अल्फला थिएटर और यहाँ पे हमने देखा है कह के होते हैं पंजाबी हमारा लाहौर है तो झुकते होती हैं लोग हंसी मजाक होता है इस थिएटर में, में मेरा ख्याल हमेशा कहके गूंजे हैं लेकिन आज आपकी टीम में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स होंगे काम करने वाले लोग होंगे प्रोफेशनल नहीं होंगे लेकिन उन्होंने जब वो पेश किया वो ड्रामाटाइज उन्होंने वो सारी स्टोरी को किया तो जहाँ पे यहाँ पे हमेशा कह के लगती है मैंने देखा कि लोग उसी तरह से रो रहे थे और लोगों कई लोगों की हिचकियाँ बन गई तो आपने अपने जो पैगाम को इस तरह से ये क्यों सोचा मतलब इसके पीछे कौन था मेन इसके ड्रामा के पीछे आई विश के आपने वो रिकॉर्ड की हूँ कि मैं तो बिल्कुल पीछे खड़ा था और अंधेरे में मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था और मुझे तो बड़ी इस चीज़ का थोड़ी सी ख़तरा भी था रब्यू लेवल के हिसाब से भी और मिलाद के हिसाब से भी कि लोग माइंडी ना कर जाएँ कि ये क्या ड्रामा और खेल तमाशा हो रहा है और ऊपर से ये सारे इमेच्योर बच्चे थे मॉडर्न लोग हैं पढ़ी लिखी क्लास इन बेचारों को इतनी बात का भी नहीं पता और अदब अदब का तो मुझे तो ज़्यादा ध्यान उस साइड पे था लेकिन क्या ऑडियंस ने इसे कैसे रिसीव किया मैं ख़ुद मैंने नहीं ये प्रोग्राम देखा मैं अब आपकी रिकॉर्डिंग में देखूंगा विजडम चैनल का लोग नाम पहले ले रहे हैं आपका क्या आपने मेरा इंटरव्यू जो लगाया था बाहर से मुल्कों से लोग मुझे फ़ोन करते हैं तो वो अगर आपने शॉर्ट्स लिए हैं मैं भी देखूँगा लेकिन असल बात यह है कि देखें जो बात दिल से निकलती है ना वो असर रखती है तो वो हक सच बोल रहे थे वो नई बात तो बोल नहीं रहे थे ठीक है चौदह साल पुरानी बात बोल रहे थे लेकिन आज के ज़माने की ज़ुबान में जिसको ये मुआरा समझता है उस जुबान में चूँकि बात हो रही थी लेकिन हो हक और सच की रही थी ठीक है तो वो सब का ध्यान जब अल्लाह और रसूल की तरफ जाता है तो आंखें खुद से अशबार हो जाती हैं ये उस फ्रीक्वेंसी का असर है ये रबते में जुड़ रहे थे मैं इसको थे। ऐसे समझता हूँ मैं समझता हूँ आपकी जो टीम थी जो इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि इन्होंने वो किया और मेरी कोशिश है कि वो चूंकि उसमें कैफ़ियत बनी होती है रिक्कत अमेज़ मनाजर होते हैं तो कोशिश यही होती है कि लोगों के दरमियान जा जा के उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए लेकिन कुछ ना कुछ इन श्ला तल हमारे पास जरूर कैप्चर होगा अच्छा एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि जो आपके पैगाम की या जो आप पैगाम कैरी कर रहे हैं उसकी वेव्स माशाल्लाह देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो रही हैं और फैल भी रही हैं जैसे अभी इसी प्रोग्राम की इनविटेशन हमने देखा लाहौर में डिफरेंट uh, शहराओं पे भी वो जो डिजिटल बिल बोर्ड्स हैं जो साइन बोर्ड्स हैं उस पर लगाई गई और ये भी लाहौर का एक बहुत बड़ा हॉल है बहुत सारे मीडिया के लोग आए तो इस वेव्स के रिटर्न में भी कुछ चीज़ें आपको जो है वो मिलती होंगी तो थोड़ा सा बताइएगा कि अब ये जो पैगाम है सुरा रहमान का और लोगों को माफ़ करने का बाबा जी का जो पैगाम है वो उसकी वेव्स कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं और अगर वो रिटर्न में आप तक आ रही हैं तो ज़रा बताइएगा देखिए जहाँ तक वो स्ट्रीमर्स जो रात को लिबर्टी में चल रहे थे या और भी कई जगहों पे वो सब आशकान रसूल हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता उन्होंने खुद ही लगाए जिसने लगाए मेरा खुदा गया मुझे उनके नामों का भी नहीं पता और ये उनका अपना जज्बा है और आज भी शायद उन्होंने लगाए हुए थे लेकिन ये भी सारा कुछ जो है ये सारे के सारे लोग मेरा ख्याल है इस मिशन की बाबा जी का जो मिशन है दर्द का मिशन है एहसास का मिशन इसकी बड़ी कामयाबी और इसका इतनी तेज़ी से दुनिया के हर कोने तक फैलने की एक बड़ी वजह ये है कि ना हम चंदा लेते हैं ना देते हैं इसमें कोई कमर्शल इन्वॉल्व ही नहीं है अपने शौक से और अपनी जज्बे से एक ही मैसेज दे रहे हैं कि यार प्यार करो प्यार करो प्यार करो चलो कुछ हो गया तो माफ़ कर दो और अगर आपसे गलती होगी तो आप भी शर्मिंदा हो जाए और अल्लाह के आगे पेश हो जाए असल मैसेज है कि अल्लाह है जैसे अचानक कोरोना के आने से तो हमने माना ना सारी दुनिया ने माना कहाँ वो अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे थे कि आई डोंट यू नो आई एम ओनर ऑफ़ द माइटिएस्ट मिलिट्री मशीन ऑफ द मैन काइंड नोस लेकिन महीना नहीं गुजरा तो वो पूरी मैन काइंड की माइटिएस्ट मिल्ट्री मशीन अपनी जगह थी और अलामिया का एक छोटा सा ड्रोन जो है उसने पूरी दुनिया को पैरालाइज़ किया हुआ था अब पता चल गया कि असल हुकूमत कौन है उसके सामने इस ज़मीन के ऊपर बसने वाले ये ये ज़मीन ख़ुद सारी कुछ भी नहीं है तो हमारा काम है कि हम और हमसे वो कुछ नहीं चाहता हमसे सिर्फ ये चाहता है कि इधर रहते हुए हम एक दूसरे का सत्यानाश ना मारें वो कहता है कि आपस में प्यार से रहो शैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम सब आदम की औलाद हो और आपस में प्यार मोहब्बत से रहो और अगर मज़हबी कोई अखिलाफात हैं या रंग नस्ल के हैं ये सिर्फ तुम्हारी पहचान के लिए हैं लेकिन असल असल जो मैसेज है कि तुम जमीन पर खलीफा हो बाकी सारी मखलूक आपके ताबे हैं लेकिन आप अपने आप को ही नहीं पहचानते अपने आप से ही आपको प्यार नहीं है अपनी जानों पे जुलम करते हैं और बहुत ही जिसे माइनर इश्यूज और मादा प्रस्ती मैं कहूँगा स्कीना, कीना अना, मैं मैं मैं, मैं या कारोबार नोट ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है यह मुशी जंग है सारी तो की तो सारी तो भी तो भी। ठीक है यही लोग इतना पैसा है इनके पास कि ये पूरी दुनिया को बिठा के आराम से ये गरीबों के बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर सकते हैं और अमन वाश्ती से सारे रह सकते हैं लेकिन डेफिनेटली जब एक बंदा मुसलसल ज़्यादा करेगा तो दूसरे को उसके खिलाफ स्ट्रगल करनी पड़ेगी और वो स्ट्रगल ही जहाद बन जाती है उसको भी मैनिपुलेट करना और फिर उसमें अपने अपने ीती सीटों और इलेक्शंस के लिए मैंने देखा है कि इंटरनेशनल माफिया भी जी जी इंटरनेशनल इस्टबलिशमेंट से ले कर लोकल इस्टैब्लिशमेंट तक हर जगह एक ख़ास सोच है जो मादा प्रस्त है जो कहते हैं हम अल्लाह को गाड को भगवान को राम को मानते हैं लेकिन मेरा खुदा गुआ है कि ये नहीं मानते ठीक है ये स्वाए अपने मुफाद को और अपनी फ़ायदों के किसी को नहीं मानते लेकिन फिर जो मजबूर इंसानियत है अल्लाह इनके साथ है और कहीं ना कहीं बीच में अल्लाह वाले अपना कोई ना कोई राग लाप जाते हैं और वो चौदह साल पुराना मैसेज प्यार का फिर देते हैं तो वो किसी वक़्त भी जो है मेरा जाती ख्याल है कि अल्लाह करम फरमाता है जिस पे उसका फिर दल मर्जी होती है तो ये मेरा मैसेज है कि अल्लाह हर कौम को अरूज देता है लेकिन फिर उसके बाद देखता है कि इसने किया क्या फिर जवाल आता ही इसलिए है कि वो अपने भाई बंदों का सांस लेना भी दूबार कर देते हैं और ये मेन वजह है अच्छा डॉक्टर साहब आज काफ़ी लंबा प्रोग्राम आपने ख़ुद कंडक्ट किया खड़े होकर और मेरे शायद हाया हाल का भी कुछ टाइम थोड़ा सा कम है तो लेकिन मैं ये सोच रहा था आज हमें मौका मिल गया कि आपने बिल्कुल जब कोरोना आया हमारी वीडियो चैनल पर मौजूद है तो आपने बिल्कुल शुरू में ही उस वीडियो को शुरू ही यहाँ से किया कि इन शाला तल कुछ नहीं होगा कर्म हो जाएगा उस वक्त जब सारी दुनिया डरी हुई थी और अब ये पता चल रहा था कि एक मरीज आया लाहौर में और पूरा लाहौर में एक खौफ तारी हो गया था और ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स थे पढ़े लिखे जो लोग थे आम बंदे तो बज दफ़ा कह रहे थे कि कोई नहीं अल्लाह तवक्कल लेकिन डॉक्टर्स खास तौर पर ये कह रहे थे कि नहीं बहुत नुकसान हो जाएगा तो एक तो वो माशाल्लाह से आपकी बात जो थी वो बड़ी ठीक हो गई और अभी भी एक सेकंड वेव का भी कहा जा रहा है और इसमें लोगों को माशी बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि उससे कुछ थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ शायद ये चीज़ें तो थोड़ा सा अब जो सेकंड वेव आई है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि कैसा ये रहेगा लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी और लोग जो अभी फिर परेशान हो रहे हैं या माशी हालात की वजह से कुछ परेशान है तो वो क्या करें मेरी अल्लाह से दुआ भी है उम्मीद भी है और यकीन है कि इन शाह पाकिस्तान पर अभी भी करम होगा और इस सेकेंड वेव में भी दुनिया हैरान ही रहेगी कि ऐसी क्या बात है अगर हमारे हुक्मरान और करता धरता लोग नेक नीयत से ऐसे ही अवाम की खिदत की कोशिश करते रहे क्योंकि कोशिश की जा सकती है जहाँ तक मुशी बहरान है वो सारी दुनिया में आया है सारी दुनिया में कारोबार जो है वो तबाह हुआ है इस कोरोना की वजह से भी और जो भी उसके पीछे गेम खेली गई और खेली जा रही है तो वो तो सारी दुनिया के साथ ही हुआ और हमारे साथ भी हुआ और अगर आप लोग इसको ऐसे समझ लें कि ये अल्लाह की तरफ़ से आजमाइश भी है अगर ये किसी ने शरारत से छोड़ा था और ये कोई बायो वेपन था तो वो तो उसके अपने गले पड़ गया है लेकिन चूंकि ये फैला है और हमारा इसमें क्या रोल है हमारे लिए आजमाइश है तो अल्लाह ने ख़ुद कहा हुआ है कि जब तुम मेरी तरफ़ आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी जान से माल से औलाद से आजमाऊंगा तो उसमें सबसे आसान आजमाइश जो है वो माल की है तो अगर माली नुकसान हो भी गया है और मुझे तो इसकी खुशी है कि बहुत से लोगों ने अपने गरीब बहन भाइयों का बहुत ख्याल किया इस इस दौर में हाँ। और बहुत से लोगों ने राशन या इस तरीके से खामोशी से छुप के या आपस में ग्रुप्स बन के बहुत से लोगों की हेल्प की या नौकरियां चले गईं तो उनके घर चलाने में या सर्कल चलाने में जो जितना कर सकता था गवर्नमेंट ने भी किया आप लोग भी कर रहे हैं आवाम भी कर रही है और शायद अल्लाह करीम ने इसीलिए इस कौम पर रहम किया उसके साथ जब अजाने दी गई सूर्य रहमान सुनी गई और कसीदा बुरदा शरीफ लगाया गया मैं कौम को आपके चैनल के तवसत से फिर मैसेज देता हूँ कि आज से फिर सात दिन सूर्य रहमान और कसीदा बुरदा शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा सुबह दोपहर शाम अपने घरों में लगाएँ चाहे एक बार ही दिन में तीन बार नहीं तो एक बार यंखें बंद करके मददबाना होकर सुने और अल्लाह और अल्लाह के नबी से रहम करम और फ़जल मांगते रहें और आपस में प्यार और सिला रहमी से जो है ना वो काम लें और जितना ख़ैर बांट सकते हैं वो बांटें अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें ये दो साल जो हैं 2023 तक ये आ, मेरी अपनी एक ऐसी सोच मेरा मुशायदा है कि ये मुश्किल हैं सारी दुनिया के लिए मुश्किल हैं बिलखसूस मुसलमानों के लिए मुश्किल हैं लेकिन ये हमारे हुक्मरानों को जो भी इस वक्त जिन जिन ममालिक में बैठे हैं उन्हें ये फ़ैसला करना है कि वो अल्लाह और नबी के साथ हैं या कि वो अल्लाह और नबी के दुश्मनों के साथ हैं उन्हें यह फ़ैसला करना पड़ेगा और फैस हर फैसला करने से पहले यह देखना पड़ेगा कि उन्होंने दुनिया वालों से डरना है उन्होंने दुनिया वालों के मुफाद का सोचना है कि या उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के नबी के सामने खड़ा होने से डरना है जंगी चालें अपनी जगह हैं मुआशी चालें अपनी जगह हैं कई जगह पर आपको झूठ बोलना पड़ता है कई जगह पर आपको जंगी हमतमली के तहत जो है बहुत कुछ करना पड़ता है थोड़ा सा बैक भी आना पड़ता है लेकिन आपका दीन ईमान और आपका पुख्ता अजम जो है वो अपने अल्लाह और अल्लाह के नबी के ऊपर कायम रहे जो गुरबत अमारत ये आनी जानी चीज़ें हैं ठीक है तो बस ये इश्क सलामत रहे ठीक है जान आनी जानी चीज़ है मेरा अल्लाह और नबी आपको कभी भी जो है वो शर्मिंदा नहीं होने देंगे मेरा ये ईमान है और एज़ ए डॉक्टर मैं अभी भी समझता हूँ कि इन शाह तला की करम नवाज़ी हमारे साथ रहेगी अच्छा डॉक्टर साहब ये तो आपने माशाल्लाह कोरोना के हवाले से बताया एक आजकल एक नया मसला ख़ास तौर तो पर पाकिस्तान में बहुत बड़ा इस वक्त हुआ हुआ है कि हमारे जो रहनुमा हैं लीडर्स हैं सियासी वो आपस में तो पहले लड़ते ही थे झगड़ते थे लेकिन शायद हमने अपनी ज़िंदगी में अब देखा है पहले शायद कभी होता होगा कि लोगों ने जो पाकिस्तान की जो दफाई इदारे हैं उन पर बहुत शदीद किस्म के अटैक्स शुरू हो गए हैं और सारे बड़े बड़े लोग इकट्ठे मिल के और इसकी हर खबरनामे में ख़बर आ रही है मजबूरन बच्चे भी देख रहे हैं बड़े भी देख रहे हैं मुआशी भी आटा ख़त्म हो गया चीनी महंगी हो गई और इस किस्म के मसाइल तो आप सियासत पे, पे ज़्यादा बात नहीं करते लेकिन मैं देखता हूँ कि ये जो हालात हैं ना ये भी लोगों को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं और नफसियाती मसाइल बन रहे हैं कि यार मतलब अपनी आर्मी के खिलाफ ही और अपने दिफाई अदारों के खिलाफ ही लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है तो इस पर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा एक आम इन बंदे को कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में मज़ीद कोई हालात ख़राब होंगे और उन्हें किसका साथ देना चाहिए इन हालात में आप लोग सबसे पहले सिर्फ़ एक बात पर गौर करें मेरी कोई सियासी वबस्तियाँ नहीं है मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ कि अगर ख़ुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसको कोई भी नुकसान पहुंचता है खुदा न उसके अंदर हिस्सा हिस्से बखरे या बगावत कराने की कोशिश की जाती है तो फ़ायदा किन लोगों को होगा ये फ़ायदा किन लोगों को होगा और पाकिस्तान का जो दिफाही निज़ाम है ये किन लोगों की आंखों में खटक रहा है ठीक है मैं अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ लोकल मैं क्या करूँगा तो इसराइल को मानना या ना मानना और कुछ ऐसे फ़ैसले करवाने जो कि पहले भी करवाए जा रहे थे और कुछ लोगों ने ऐसी बात पे कम्प्रोमाइज़ किया कि उन्हें फिर जगह जगह जूते पड़े और अल्लाह की तरफ से पड़े ठीक है ये बात अल्लाह और अल्लाह का नबी ही इसका जवाब देंगे मैं आपकी बात के जवाब में एक ही बात पूछना चाहता हूँ मैं तो आलम नहीं हूँ कहा जाता है कि ग़वा हिंद ग़वा हिंद कोई कह रहा हो गई कोई कह रहा नहीं हुई कोई कह रहा शुरू हो गई तो ग़वा तो उसको कहते हैं जिसमें सरकार तो आलम ख़ुद बनफ़ नफीस मौजूद हो तो जो सरकार आए न तो मैनू की फ़िक्र है अल्लाह और अल्लाह का नबी वारिस है मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन करता धर्ताओं ने सारों ने चाहे वो हुकूमत में है अपोजिशन में है ब्यूरोसी में है आर्मी में है स्टेब्लिशमेंट में है जज जज्ञे, हैं या क्या हैं इन सब ने एक दिन अपने अल्लाह और अल्लाह के नबी के सामने खड़ा होना है और एक ख़ास लिमिट यहाँ भी दी जाती है यहाँ पर भी अल्लाह मैं कहता हूँ तो एक अल्लाह क्रेसी भी है वो इन चीज़ों से बिल्कुल इंडिफरेंट होती है लेकिन जब आ जाए आर्डर ठीक है तो इनको पता नहीं है कि उनकी लाठी जो है वो कितनी ख़तरनाक होती है ठीक है और ये सब लोग जो हैं ये सब इन बातों को समझते हैं और मानते हैं लेकिन पिछले चालीस पचास साल से हमारी कौम को जो है वो चूँकि हमारी अखलाक रवायात अकदार ख़राब हुई हैं और हमने ख़ुद उस मैनिपलेसन में हिस्सा भी लिया और उस पैसे में अपने आप को भी रंगा तो सही और गलत की तमीज़ ना सिर्फ ख़त्म हुई उसके बाद हम अपने गलत को ग़लत समझना भी छोड़ दिया है और ये हमारी बदकिस्मती है तो मेरा ख्याल है जी इन श्ला तल कौम सारी ही बड़ी बारीकी से इस बात को देख रही है और अगर कुछ बेवकूफ़ों ने यह गलत हरकत की है अपने ी मफाद के लिए या किसी बैरूनी इशारे पर ठीक है उन्हें किसी अदारे से भी पहले अब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से अन करीब बड़ा वाज जवाब आएगा ठीक है और आप इन लोगों को अन करीब अगर ये तोबा नहीं करेंगे तो इनके पास बहुत थोड़ी मोहलत है कौम को मेरा यही पैगाम है कि मुतहद रहें ये दो साल जो हैं ये सारी दुनिया के मुसलमानों को आपस में इकट्ठा होने के साल हैं आपस के अखिलाफात को ख़त्म करें और जो ज़ाती मफादा के चक्कर में जो चेले चांटे तागूत ने छोड़े हुए हैं उन्हें आप पहचानें जो तोबा करके वापस आते हैं उन्हें ज़रूर गले लगाएं, लेकिन आँखें खोलें और अल्लाह और अल्लाह के नबी को मैंने अभी आयत तलावत की थी ना कि जहाँ बाहमी मसला हो तो उसमें अल्लाह के नबी के फ़ैसले को ले लें और अल्लाह के नबी को यही सोच लें कि अगर हमारी जगह हजूर होते तो क्या करते इन्हें फ़ौर ये मिलेगा मैं चौदह साल का यतीम था जिस वक़्त मेरा वालद फ़ौत हुआ मैंने सारी जिंदगी इस तरह गुजारी है मेरा कोई ना आलम था मेरे पास अवेलेबल ना कोई मुफ्ती था मुझे नहीं पता था मैंने कहाँ जाना ना मेरा किसी खास मसल से तल्लु था मैं जब भी उतनी छोटी सी उम्र से ले कर आज मेरा ख्याल है इस बात को चालीस उनतालीस साल होने लगे हैं मैं किसी भी सिचुएशन में फंसा हूँ मैंने यही सोचा है कि मेरी जगह मेरे नबी पाक होते और मेरे नबी पाक क्या कहते मुझे या मैं अगर उनसे पूछूँ तो मेरा खुदा हुआ है कि मेरे दिल में जो पहली बात आती है मैं कर लेता हूँ और मुझे कभी उसमें नुकसान नहीं हुआ ठीक है ये सब बात को जानते हैं और उधर से रस्सी ढीली हुई हुई है लेकिन ये रस्सी ढीली होती है ये किसी वक़्त भी कसी जा सकती है ठीक है वो तो इन सब से रिक्वेस्ट है कि अभी भी सच्चे दिल से तोबा करके इकट्ठे हो जाएं आपस की गलत फहमियों को भी दूर करें और जो जितनी जिसकी ग़लती है वो उसको माने उसकी तलाफ़ी कर दें और दूसरे भी जो हैं वो अगर अगला माफ़ी मांग रहा है तो फिर उसको जाती ना का मसला ना बनाए दूसरी पार्टी भी और वो उसके बाद मिल बैठ के आपस में इस मुल्क को इस कौम को आगे ले जाने की कोशिश करें मेरे नज़दीक तो जैसी भी ये इस्टेबलिशमेंट है या जिन्हें भी आप लोग कहते हैं जो सिविल मिलिट्री या जो भी इंटेलिजेंस मुझे नहीं पता लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनकी एक कोशिश तो है कि ये मुल्क कायम रहे तो तभी वो हैं ये मुल्क है तो इस मुल्क की फौज है आप लोगों ने उन मुल्कों की फ़ौजों का हाल नहीं देखा जो टूट जाती हैं तो सबसे पहले उनकी फ़ौजों को जलील किया जाता है उन्हें डिसम किया जाता है ठीक है फिर जो आम शहरी है उनकी इज्जतें भी महफूज नहीं होती हैं तो ये दिन रात अपनी जगहों पे खड़े हैं जो भी कर रहे हैं मैं नहीं कहता वो फरिश्ते हैं उनमें से भी कभी गलतियाँ हुई होंगी कोई गलत फ़ैसला हो गया होगा या कोई किसी जगह पे स्लिप अगर उनमें भी कोई हुआ है तो मेरा ख्याल है कि फिर भी वो उसको रेक्टिफाई भी करते हैं मानते भी हैं और ऐसा कमांड का सिस्टम है कि उसको बाद में वो देख लेते हैं तो अल्लाह ख़ैर करेगा मुझे अल्लाह और अल्लाह के नबी से बहुत उम्मीद है कि अल्लाह इन सब को भी हदायत देगा और ये सब सैनिटी अदरवाइज दे विल हैव इट बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को इसका जवाब चाहिए था टीवी अगर देखें भी हालात देखने के लिए कि कुछ बेहतर हुए हैं तो मज़ीद परेशान कर देता टी तो आम लोग बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हैं अच्छा एक तो डॉक्टर साहब आज आपको माशाल्लाह से मुबारक हो मैं जब रोड पे आ रहा था आज बारह रबी अवल का दिन है तो तकरीबन सभी लोगों के घरों में मिलाद की महफिलें हो रही हैं मोहल्लों में मसाजिद में जुलूस निकल रहे हैं तो मैं सोच रहा था कि यार सड़कें भी सारी खाली पड़ी हैं तो डॉक्टर साहब ने एक ऐसा दिन रख दिया है जब हर बंदा अपने घर में अपनी फैमिली में बिजी है तो पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ड्रामा देखने भी जो लोग आते होंगे तो इतना रश नहीं होता होगा कि इवन स्टेज तक लोग बैठे थे तो आज आपने खसूस इसको ईद मिलाद नबी वाला दिन जो है वो क्यों चूज़ किया सरकार के दिन की इन नस्बत से मैंने चूज़ किया और मुझे लग रहा था कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम जितनी जल्दी ये दुआ हो जाए जितनी जल्दी ये अर्जदाश चली जाए जितनी जल्दी ये अर्जी हम भेज दें उतना बेहतर है और बाय चांस मुझे बारह को यह हाल भी फारग मिल गया इनकी छुट्टी होती है उस दिन तो इनकी मेहरबानी है इन्होंने मेरे एक फ़ोन पे हमें इजाज़त दे दी और फिर बच्चों ने आगे तो सारा इन्होंने खुद किया चले जी माशाल्लाह मैं सर आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ चूंकि मैं आपके प्रोग्राम्स वगैरह देखता रहता हूँ आज मैंने देखा है तकरीबन एट्टी जो लोग थे वो नए लोग थे मतलब उन चेहरों को मैंने पहले नहीं देखा हुआ भी नहीं देखा हुआ। तो ये ये एक बड़ी कामयाबी है कि अपने लोग नहीं आए बल्कि अपने लोग बेचारे सारे उधर आगे ज़मीन पर बैठे हुए थे और पीछे का जो सारा हॉल था उसमें नए लोग थे और बड़े मुतासर हो रहे थे आगे तो शायद लोगों पे रोशनी वगैरह होती है तो लोग ज़रा कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन पीछे चुके अंधेरा था तो मैंने लोगों की हिचकियाँ और जो उनकी जो कैफियत है वो मैं देखता भी रहा और सुनता भी रहा तो बहरहाल बड़ा अच्छे तरीके से जो भी अल्लाह ताला ने आपको मैसेज या कोई अनर्जी या कोई चीज़ ऐसी दी है आप उसको माशाल्लाह कैरी भी कर रहे हैं और फैला भी रहे हैं मैं उधर कैमरे पे खड़ा होकर आपको देख रहा था कि मेरी पहली मुलाकात के बाद से तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप माशाल्लाह पहले से जुआन हो रहे हैं और आपका चेहरा भी जो है वो मजीद खिल रहा है और आज आपकी स्ट्रेंथ भी मुझे पहले से जो है वो बड़ी ज़्यादा नज़र आई है मेरी अल्लाह तो, का करम है कि वो मुझे जो भी आइडियाज़ आते हैं या करते हैं उसको ये बच्चे बड़ा ज़बरदस्त इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अगर आप इन्हें बिहाइंड द सीन देखें बिहाइंड द डोर देखें इन्हें मेरे से बड़ी डांट पड़ती है अच्छा, अच्छा। और ये बेचारे डरे रहते हैं कि आप पता नहीं क्या होगा क्योंकि हैं ये सारे दीवाने मस्ताने हैं अच्छा, ना से, तो से, इनके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस ना हो तो ये मिनट में फ़नकार बन जाते हैं तो लेकिन इनके घरों वाले भी दुआएँ देते हैं मुझे और आपने देखा होगा दुआ में कई बार ये दो दो तीन तीन बजे रात तक बैठे होते हैं तो बंदा सोचता है कि यार बच्चे बचिए ना इन्हें कराच नहीं जाना तो कार देखर उन्हें चंगा आया पागल ने फड़े तो ये इन सब का जज्बा है इनका प्यार है आगे अल्लाह नबी जाने ठीक है मेरी तो एक कोशिश है और बाबा जी से एक वादा किया है वो निभाना है तो सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब जो हैं ये जाने और इनका मिशन जाने ठीक है पागलों को तो अब हमें अदब अदब तो नहीं आता ना तो हमें जो जैसे लगा हो सकता है बाबा जी होते तो डंडा उठा लेते हो ये क्या कर रहे हो लेकिन हमने कर दिया जो हमें समझ आई चलें जी सर आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपकी सारी टीम को आपका टाइम देने का भी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया